अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम इन्फ्लुएंजा फ्लू को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या कोविड 19 और फ्लू या इन्फ्लुएंजा, इनमें क्या फ़र्क है। अब मसला ये है कि आम तौर पे जब पेशेंट्स हमारे पास जुकाम खांसी के साथ रिपोर्ट करते हैं तो वो इस स्ट्रेस में होते हैं कि मे बी हमें कोविड है या हमें आम फ्लू है। तो इसकी चंद अलामात हैं जिसपे आप इसको ईजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें जो है फ़र्क को आपको पता होना चाहिए कि हमें नॉर्मल फ्लू है या हमें कोविड का फ्लू है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोविड में हमेशा पेशेंट्स को लॉस ऑफ जो है वो स्मेल है, टेस्ट है, उसके अलावा उनको कफ है पेशेंट को, वो प्रोडक्टिव भी हो सकती है, ड्राई कफ भी हो सकती है, यानी बलगम या बग़ैर बलगम के साथ। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर होता है। जो आम फ्लू या इन्फ्लुएंजा है उसमें पेशेंट को आमतौर पर सोर थ्रॉट है जी, गले में दर्द है, थूक निकलने में दर्द है, गले में खराश है। इसके अलावा पेशेंट का रनिंग नोज़ होता है, इतना रनिंग नोज़ होता है कि पेशेंट को बाज़ औक़ात वो उसको उसके साथ रिगर्स एंड चिल्स भी होते हैं। तो आप लोगों को हमेशा डॉक्टर को फ़ौरन आपने रुजू करना है ताकि आपको पता चले कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। इफ़ द पेशेंट हैज़ रनिंग नोज़ और उसका सोर थ्रॉट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है इसको होम रेमेडीज से कवर करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप स्टीम लें, गरारे करें, एग्स, कहवा, सूप, और अगर ज़रूरत हो तो साथ एंटीबायोटिक एंड आप एंटी एलर्जी को ले सकते हैं। पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो आमतौर पर जो कंडीशन है रनिंग नोज की, अगर कोई थोड़ा बहुत फीवर भी आ जाता है तो ये विद इन 1 to 7 days सबसाइड हो जाता है, बेहतर हो जाता है, पेशेंट खुद अपने आप को बेहतर समझता है। लेकिन जो कोविड 19 जो है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ है, बहुत लंबा चलने वाला फीवर है, पेशेंट्स को सीवियर बॉडी एचेज हैं, शदीद जिस्म में दर्द है, और आमतौर पे जो हिस्ट्री है वो उनकी प्रोलॉन्ग होती है। अब ऐसी सूरत हाल में आपने घर पर नहीं रुकना, आपने फ़ौरन अपने फिजिशियन को या आप जो करीबी डॉक्टर हैं उनको आपने रब्ता करना है ताकि उनको वो आपको हेल्प आउट कर सकें कि आया आपको कोविड 19 PCR कराना है, एंटीजन कराना है, CBC कराना है, इवन चेस्ट एक्सरे, बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। तो इस सूरत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने बेशक आप होम रेमेडीज ज़रूर लें, जैसे कि आप कहवा है, हाइड्रेट रखें खुद को, और एग्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, और जो है ठंडा पानी, पराठा और ये राइस टाइप चीज़ें जो हैं ये सारी बंद कर दें। और जो डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उसमें एंटीबायोटिक है, IV, इवन इफ देयर इज अ केस ऑफ ब्रेथलेसनेस, तो उस सूरत में आप फौरन हॉस्पिटल रब्ता करेंगे। सो डियर लेडीज़ एंड फ्रेंड्स, ट्राई टू बी वेरी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जज़ाकअल्लाह।